हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना बताऊंगी। इसका जो साइज रहेगा वो रहेगा 34 साइज। इसके लिए हमें जो कपड़ा लेना है वो 1 मीटर लेना है। हमने यहाँ पे जो अस्तर लिया है वो लिया है 80 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जो स्लीव की कटिंग करेंगे वो हम अस्तर पे नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने अस्तर थोड़ा कम लिया है। अगर जो आप अस्तर पे स्लीव भी बनाना चाहते हैं तो 1 मीटर ही लीजिएगा। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो हमने यहाँ पे इसको डबल फोल्ड में रख लिया है। अब यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे, 14 इंच लंबाई रखनी है। 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने निशान लगाया 15 इंच पे। शोल्डर जो हम रखेंगे वो रखेंगे 5.5 इंच, और जो आर्म होल हैं वो भी हम इसके रखेंगे 5.5 इंच। ये मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हमें ब्रेस्ट साइज का निशान लगाना है, तो इसका साइज है 34 इंच, उसका चौथाई लेना है 8.5 इंच। कमर है इसकी 30 इंच, उसका चौथाई लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच हम ले लेंगे टक्स पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे भी मैंने 8.5 इंच पर निशान लगा लिया। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। बाहर की साइड में मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया है। अब यहाँ पे हम इसके नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच। बैक नेक की जो हम डीपनेस रखेंगे वो रखेंगे 8 इंच, तो 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए हम बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ पे हम नेक का शेप दे देंगे। यहाँ से थोड़ा सा शोल्डर डाउन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाते हुए बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। ये देखिए, ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों पे ही इसकी हम कटिंग कर लेंगे, तो ये जो हमारा बैक पार्ट है ये कट के रेडी हो जाएगा। अब हमें कटिंग करनी है फ्रंट पार्ट की, तो फ्रंट पार्ट को अभी हम कपड़े पे कट नहीं करेंगे। इसके लिए हमने एक ये पेपर लिया है, इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और बराबर से ड्रॉ करते हुए इसको इसी बराबर में ही कट कर लेंगे। तो ये मैंने पेपर भी इसी बराबर का कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच, डीपनेस इसकी रखेंगे 6 इंच, और यहाँ पे ये हम बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ पे हमें नेक का शेप दे देना है। ये मैंने नेक का शेप दे दिया। अब यहाँ से हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे, जो कि हम ले रहे हैं 11.5 इंच पे। आप यहाँ पे 0.5 इंच और बढ़ा के 12 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे 1 इंच ऊपर की साइड में। इस साइड से एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे, और यहाँ से हम हल्का सा ऐसे ऊपर को शेप दे देंगे। इस तरह से हमें शेप दे देना है। अब यहाँ पे हम कटोरी के लिए निशान लगाएंगे, तो कटोरी के लिए जो हम निशान लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 5.5 इंच पे। 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, और आर्म होल का भी हम 0.5 इंच गहराई से शेप दे देंगे। इसके बाद हमें ऊपर से नेक वाले साइड पे एक निशान लगाना है 4.5 इंच पे। आर्म होल से हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे, इस तरह से। अब इन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इस निशान को मिलाना है। तो ये जो ड्राइंग है हमारी, ये हो गई है। अब इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे, इस तरह से नेक की भी कटिंग कर लेंगे, और जो इसका आर्म होल है वो भी हमने जो ये डाउन किया है उसको भी इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ से हमें इसके कटोरी की कटिंग कर लेनी है। तो ये जो हमारा पैटर्न है, ये देखिए, कटोरी कट का कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब हमें ये दो पैटर्न साइड में कर देने हैं, और इसकी जो कटोरी है ये हमें कट करनी है। तो इसके लिए एक और मैंने पेपर ले लिया है। नीचे की साइड में एक निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच पे, इस तरह से, और यहाँ से हमें इसको इस तरह से सेंटर में रखना है, और इसको हम
दूसरे वाले पेपर में भी इसी बराबर से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसकी ड्राइंग कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे की साइड से इसका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे सेंटर इसका आ रहा है, यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे और इस साइड में हम एक निशान लगाएंगे बाहर की साइड में 1.5 इंच पे। दूसरे साइड में भी हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे बाहर के साइड में। अब इस निशान को हमें सेंटर वाले निशान से इस तरह से मिलाना है। दूसरे वाले साइड को भी सेम ऐसे ही मिलाएंगे तिरछे में। ये देखिए अब जो हमारा ऊपर वाला साइड है, इस साइड से हम इसको 1/2 इंच बढ़ाएंगे और 1/2 इंच यहाँ से बढ़ाते हुए इसको हम इस तरह से मिला देंगे। दूसरे वाले साइड को भी हमें ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसी तरह से मिलाना है। ये देखिए तो ये हमारी जो कटोरी है, ये हमारी कटोरी का परफेक्ट शेप ड्रा हो गया है। अब इसको भी हम इसी बराबर से कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी जो कटोरी है ये भी कट के रेडी हो गई है। अब हमारे ये जो सारे पैटर्न हैं इनको हमें कपड़े पे भी कट कर लेना है। तो हमें कपड़े को डबल फोल्ड रखते हुए, इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इसको हम कट कर लेंगे। सेम ऐसे ही रखते हुए मेन फैब्रिक को भी हमें कट कर लेना है। तो देखिए अस्तर को मैंने जो कट किया है वो मैंने एकदम बराबर पैटर्न में ही कट किया है, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको अभी थोड़ा सा बढ़ाते हुए कट किया है। अस्तर पे जॉइंट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। तो सारे पीस मैंने ऐसे ही कट करके ये देखिए रेडी कर लिए हैं। ये देखिए अस्तर पे भी और मेन फैब्रिक पे भी, दोनों पे मैंने इसको कट करके रेडी कर लिया है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक से कपड़ा बचा हुआ है उससे हम इसके स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसको हम ऐसे 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख लेंगे। हमें स्लीव की लंबाई रखनी है 6 इंच की। 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इसमें हमने अस्तर नहीं लगाया है तो हम आगे की जो हमारी मोहरी होती है उस साइड को फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच मार्जिन लेंगे और 1/2 इंच मार्जिन लेंगे हम स्लीव जोड़ने के लिए। तो टोटल हमने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले लिया है। फिटिंग का हमें निशान लगाना है 7.5 इंच पे। यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है, जो भी साइड से कपड़ा निकलेगा उसको हम यहाँ पे जोड़ के इसकी चौड़ाई बढ़ा लेंगे। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और इस निशान से इसको हमें ऐसे शेप दे देना है। अब इसी शेप में इसको कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हम 4 फोल्ड में बराबर से कट करके यहाँ पर इसकी चौड़ाई बढ़ा लेंगे। मोहरी जो हमें रखनी है वो रखनी है 5 इंच की। 5 इंच पर निशान लगाएँगे और जो हमने फिटिंग का 7.5 इंच पे निशान लगाया था उस निशान से इसको ऐसे मिला देंगे। मार्जिन लेते हुए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हमने कट कर दिया है। तो ये हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई है। तो ये जो हमारा ब्लाउज है इसकी कटिंग हो गई है। अब हम करते हैं इसकी सिलाई। तो यहाँ पे देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से जोड़ते हुए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी मैंने कट करके बराबर कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी कटोरी तैयार करेंगे। तो इसको हमें सेंटर से फोल्ड करना है नीचे की साइड से और यहाँ पे खुले वाले साइड से एक निशान हम लगा लेंगे 3 इंच पे। और यहाँ से ऊपर की साइड में हमें जो टक्स डालना है वो डालना है 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से इस पर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे ये जो कोना निकला हुआ है इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी कटोरी है कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी। दूसरी वाली कटोरी को भी सेम ऐसे ही रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे भी देखिए इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे, खुले वाले साइड से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसका भी जो टक्स है उसकी लंबाई रखेंगे 2.5 इंच। इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। इस पे भी हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों कटोरियाँ जो हैं हमारी वो बन के रेडी हो गई हैं इस तरह से। अब इसका जो साइड वाला पार्ट है उसको भी लेंगे, उसको हमें इस तरह से रखना है, मिला के देख लेना है कि कटोरी का जो शेप है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसके ऊपर हम कटोरी को ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे
और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। इसको ऐसे सीधा करेंगे और जो अंदर का मार्जिन है उसे हमें कटोरी वाले साइड में ही फोल्ड करना है और इसके ऊपर हम प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे। ये देखिए तो इस तरह से मैंने इसको भी सिल के रेडी किया है। अब इसमें हमें बेल्ट अटैच करनी है, तो ये मैंने बेल्ट भी ले लिया है। इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर ऐसे उल्टा करते हुए रखना है और यहाँ पे भी हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसको भी सीधी साइड में पलट लेंगे और इसके ऊपर भी हम प्रेस स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने ये प्रेस स्टिच लगा के इसको रेडी कर लिया है। तो जिस तरह से मैंने इस वाले पार्ट को रेडी किया है, सेम ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो दूसरा वाला जो पार्ट है उसको भी मैंने ऐसे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमें हाई हुक की पट्टियाँ भी लगानी हैं, तो ये मैंने दो पट्टियाँ बना के इस तरह से रेडी कर लिया है। इनको इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पे एक तरफ हाई वाली पट्टी और एक तरफ हुक वाली पट्टी बना लेनी है। राइट हैंड की तरफ हम हुक वाली पट्टी बनाएंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ हमें हाई वाली पट्टी बनानी है। तो जो हमारी हाई वाली पट्टी होती है वो हमें एक इंच बाहर की साइड में निकालते हुए बनाना है और हुक वाली पट्टी को हमें पूरा, ये देखिए इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हुए रेडी करना है। तो ये हमने हुक वाली पट्टी बना के रेडी कर लिया है। सेम ऐसे ही एक इंच बाहर की साइड में निकालते हुए हाई वाली पट्टी भी बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने बना के इसको रेडी कर लिया है। अब ये जो हमारे फ्रंट पार्ट हैं ये बन के रेडी हो गए हैं। अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है, तो बैक पार्ट मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे हम बैक साइड में भी टक्स पॉइंट डाल के रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करते हुए रखा है और यहाँ पे हमें एक इंच का टक्स डालना है, तो यहाँ पे आधा इंच में निशान लगाएंगे। लंबाई में हम इसको रखेंगे 4.5 इंच, इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाते हुए इसका टक्स डाल लेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड वाला टक्स जो है उसको भी डाल के रेडी कर लेंगे। दोनों साइड के टक्स डाल लिए हैं, इसको ऐसे ही सीधी साइड में रखा रहने देंगे। इसके ऊपर हमें जो हमारे फ्रंट पार्ट हैं उनको इस तरह से उल्टा करते हुए रखना है और इसके शोल्डर भी जोड़ लेंगे। तो ये मैंने शोल्डर भी जोड़ लिए हैं। अभी इसको ऐसे सीधा करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से बन के अभी ये रेडी हुआ है। अब इसमें हम स्लीव भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए मोहरी वाली साइड में मैंने कच्ची सिलाई लगा के अभी लिया है स्लीव में, और आगे की साइड में हमने गहराई भी कट कर लिया है। सेंटर में इसके कट लगाएंगे और इसको ऐसे खोलते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम सेंटर से इसको ऐसे मिलाते हुए एक बार नाप के देख लेंगे कि हमारी जो स्लीव है वो छोटी बड़ी तो नहीं आएगी, और यहाँ पे हम सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। दूसरे साइड की भी स्लीव को जोड़ लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव जो हैं वो हमने जोड़ के ले लिया है। अब यहाँ पे हम आपको एक बार फिटिंग भी दिखा देते हैं। तो हमारी ये जो है ये हुक वाली पट्टी है, इसको हमें पूरा पट्टी से ही नापना है, 8.5 इंच पे निशान लगाना है, जो कि हमारी फिटिंग का निशान था। कमर जो हमने लिया था वो लिया था 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को यहाँ से हम एकदम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने एक साइड में फिटिंग का निशान लगा लिया। अब जो हमारा दूसरा वाला साइड है, दूसरे साइड में भी हम ऐसे ही फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो ये जो है हमारी ये हाई वाली पट्टी है जो कि मैंने 1 इंच बाहर के साइड में निकालते हुए बनाया है, तो उसको छोड़ते हुए ही हमें यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है जो कि था 8.5 इंच पे। कमर पे भी हमें बाहर के साइड में जो पट्टी निकाली है उसको छोड़ते हुए ही फिटिंग का निशान लगाना है 7.5 इंच पे। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हमें इसकी स्लीव की जो मोहरी है उसका भी निशान लगा लेना है, तो इसको ऐसे बराबर से फोल्ड करते हुए रखेंगे। स्लीव की जो हमें मोहरी रखनी थी वो रखनी थी 5 इंच की, तो 5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इस निशान को हमें ये जो हमारा ब्रेस्ट साइज वाला फिटिंग का निशान है उससे इस तरह से मिला देना है।
दूसरे साइड में भी हम स्लीव पे ऐसे ही निशान लगा लेंगे और दोनों साइड में इन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने दोनों साइड में सिलाई भी लगा लिया है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम कमर पट्टी अटैच करेंगे, क्योंकि इसमें हमने आधा इंच ही मार्जिन लिया था, तो हमें इसमें कमर पट्टी जो है वो अलग से अटैच करनी है। तो इसके लिए हमने 2 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी ली है, उसको आधा इंच बाहर की साइड में निकालते हुए एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको अंदर को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें प्रेस स्टिच भी लगा लेनी है। इसके बाद एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे जो कि हम तुरपाई करने के बाद में खोल देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कमर पट्टी भी बना के रेडी कर लिया है। अब हमें इसका नेक बनाना है, तो नेक के लिए हमारे पास जो मेन फैब्रिक से कपड़ा बचा था उसकी ही मैंने छोटी छोटी सी उरेब में पट्टियाँ कट करके जोड़ लिया है। इन्हीं से हमें इसका नेक भी बना के रेडी कर लेना है। तो नेक में हमने पाइपिंग ही बनाया है, ये देखिए, ये मैंने पाइपिंग भी बना के रेडी कर लिया है। और ये जो हमारा ब्लाउज है ये बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसमें सिर्फ हाई और हुक लगाने हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी, और अगर जो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की ही सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। हमें सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और भी यूजफुल वीडियो ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।